प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बच्चों अपने चल रहे थे मॉडल, तो मॉडल करीब करीब काफी हो गए। कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई। एक तो अपने यूज टू का उपयोग नहीं बताया था, फिर मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। यूज टू, देखो यूज टू मैंने आपको बताया, यूज टू का उपयोग पास्ट की कोई आदत हो उसके लिए होता है। जैसे मैं छोटा था तब मैं खो खो खेला करता था, ठीक है, मेरी आदत थी। मैं नदी किनारे जाता था तो मैं पढ़ाई करता था तब नदी किनारे पर घूमने जाया करता था। तो ये कुछ पीछे की जो आदतें हो उसके लिए, और आई यूज टू प्ले क्रिकेट। याद है ऐसे एट स्कूलिंग, स्कूल के टाइम एट स्कूलिंग, स्कूल के समय जब स्कूल में पढ़ता था तब मैं क्रिकेट खेला था। या आई यूज टू स्विम, जब मैं आज की कक्षा में था तब तैरा करता था। यू यूज टू मैंगो, फ्रॉम गार्डन, अब मैं आम चुराया, गार्डन से आम चुराया करते थे बच्चे थे, या उसमें और जैसे ये भी बनता है वे भी होता है। जब हम बच्चे थे तो गार्डन से आम या फूल चुराया करते थे। तो ये कुछ चीजें जो पहले की होती है जिसमें पुरानी आदत हो, तो पास्ट की आदत को सुधार बताने के लिए, पास्ट की आदत को सुधारने के लिए पास्ट की आदत को बताने के लिए ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें वो बता रहा हूं जिसमें नोट लग गया या शॉर्ट में बन जाता है। अपने ज्यादातर कई जगह आई में तो आपके ये महसूस नहीं हो, मैं आपको ये बता देता हूं। देखो केन,
के स्केच के बाद में नोट लगाते हैं, नहीं कुछ बनावे केर है ना, केर को नेगेटिव बनाए तो दो ढंग से हो सकता है, एक तो केर नोट अलग अलग जैसे केर एंड एल केर नोट एंड शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी कांट। देखो सी ए एन और एपोस्ट्रोफ टी कांट, के नोट का क्या होगा कांट, ऐसे ये सब के साथ है फुट नोट। मेन नोट का एम ए वाई मेन नोट, मेन नोट का क्या हो गया मेंट एम ए वाई एम ओ एपोस्ट्रोफ मेंट। Might, might note, M I G S T, might note, might note. कई जगह आ जाते हैं अपने पर चढ़े नहीं जाते, विल नोट वोंट अलग ही टाइप का बन गया था, वोंट डब्ल्यू ओ एन वोंट, जैसे वोंट विन होता है ना विन वोन वोन विन ये जीतना उसका वो जैसे लग रहा है वोंट। शुड नोट एच एच ओ यू एल डी शुड नोट, शुडंट शुडंट, वुड नोट डब्ल्यू यू एल डी एल ओ टी शुड नोट वुड नोट वुडंट डब्ल्यू ओ यू एल डी वुडंट, must not mustn't must not mustn't m u s t mustn't, yeah, mustn't. ought not to or o u g s t ought not to ought to o u g s t oven to need not need not needn't
निडर नीड, एक डेव नोट और होता है, डेर लोट, डेरन, डी ए आर ई एन, डेरन, और यूज नोट टू, यूज नोट टू, यूजन तो यह आपके शोध में बहुत ही थोड़ा प्रथम में दिक्कत होती है, उनका खास तौर से ध्यान रखना। एक तो विज नोट है, विज नोट का वोंट हो जाता है, विज नोट का देखो, विज नोट का वोंट हो जाता है, देखो ये अलग है। एक ये शेल नोट का शांत हो जाता है, और तो करीब करीब पछड़ जाता है ज्यादातर में। यह आपके ओ हटा है, ओ की जगह एपोस्ट्रोफ आया है, यही ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यू रिवाइज करवाता हूं, देखिए आपको क्या क्या याद हुआ। पहली बात तो मॉडल के शब्द, मॉडल है, मॉडल की खासियत होती है कि मॉडल जहां भी आते हैं, मॉडल वर्ग तो अपने जानते हैं। पहले तो देखो मॉडल वर्ग कौन कौन सी, मॉडल वर्ग शेल सुट, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट और यूज टू, ओर टू, नीड नोट और डेर नोट, डेर नोट और है। ये सामने आ गया, डेर नोट और है। तो मॉडल उपयोग में कहां आते हैं, फिर है मॉडल उपयोग में कहां आते हैं। मॉडल मॉडल की एक ऐसी चीज है जो उसका उपयोग करते समय अपने मॉडल वर्ग के बाद में एक तो यदि फर्स्ट फॉर्म आए, यानी मॉडल है वो एक वचन या बहुवचन से प्रभावित नहीं होते। मॉडल एक वचन यानी नंबर्स, मॉडल एक वचन और बहुवचन से प्रभावित नहीं होते। कैसे, यदि मॉडल के बाद में पहले ही है या छी है या दे है या वी है, तो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था यदि एक वचन हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाता है, एक वचन हो, और बहुवचन हो तो नहीं लगता। मगर यदि मॉडल है तो मॉडल में एक वचन और बहुवचन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडल केन है तो केन ही रहेगा, केन है तो केन के, आई कैन नॉट गो टू स्कूल या आई कैन गो टू स्कूल, केन के बाद में गो आया है, आई हो चाहे ही के कैन गो टू स्कूल, तो केन के बाद में फर्स्ट फॉर्म आई है, गो ही है या गोज नहीं हुआ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन। तो एक पहली शर्त तो ये हो गई, मॉडल के मॉडल वर्ब है वो एक वचन या बहुवचन से, इसी वजह से इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। इस अविकारी वजह से कोई विकार नहीं आता, एक वचन या बहुवचन से इनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, एक नंबर। दो नंबर बात है मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म के, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल वर्ब के बाद, और कोई इसका यूज नहीं, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। दो नंबर, तीन नंबर, मॉडल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से प्रभावित नहीं होते, चाहे ही हो चाहे सी हो, चाहे चाहे आपका इट हो, तो चाहे जानवरों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो या स्त्रीलिंग के लिए हो, स्त्रीलिंग के लिए हो पुल्लिंग के लिए हो, मॉडल वही बना रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का उसमें कोई फर्क नहीं होता। ये थे, अब मैंने आपको बताया था क्या क्या है। देखो पहले तो मैंने बताया था आपको शेल व्हील का प्रयोग, थोड़ा रिवाइज कर दूं मैं, शेल व्हील का प्रयोग, शेल व्हील का प्रयोग चार चीजें होती थी, शेल व्हील का प्रयोग, शेल व्हील मैंने कहा था। पहले तो आप पहचानो कि ये मॉडल है या नहीं,
तो मॉडल है या नहीं, इसकी पहचान किसे होती है कि यदि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस होता है सेल्विन, यदि फ्यूचर टेंस है तो आई और वी के साथ में शेल लगता है, मगर यदि मॉडल है तो आई और वी के साथ तो विल लगेगा और बाकी के शेल लगेगा, जबकि है ऐसा फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ में शेल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है। अरे यदि इसका उल्टा है तो आई और वी के साथ विल लगेगा और बाकी के साथ शेल लगेगा, तब यह सोच लेना यह मॉडल है। यदि मॉडल है तो इसमें चार बातें निकल के आती है, या तो वो हो सकता है आपका प्रोमिस हो सकता है वादा, या तो वादा हो सकता है, या फिर सर्टेनिटी हो सकता है सर्टेनिटी, या फिर हो सकता है आपका थ्रीट हो सकता है, या फिर आपके वार्निंग हो सकती है। चार बातें निकल के आती है, यदि आपको पता चल जाए तो सेल और विल से आपके सेल और विल है, मॉडल है, मॉडल के रूप में उपयोग हुआ है, तो इसका मतलब या तो वादा है, या तो वादा है, या फिर सर्टेनिटी है, या थ्रीट है, या वार्निंग है। प्रोमी प्रोमी को वादा, निश्चितता, धमकी और चेतावनी, ये होगा। तो ये तो प्रेजेंट का इसका था, शेलविल का। फिर मैंने बताया केन का, केन का देखो केन है तो एक तो एबिलिटी हो सकता है, एबिलिटी योग्यता, योग्यता हमेशा सीखी हुई चीज होती है, सीख के, जैसे मैं तैरना में जानता हूं तो आई कैन स्विम, यदि मैं इंग्लिश बोलना तो सीख लिया है मैंने तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक राइट इंग्लिश, आई तो ये है, जैसे ये है ना एबिलिटी बताने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार चला सकता हूं, ये एबिलिटी है। और ऐसी दूसरी होती है कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता, ताकत जिसको स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ या कैपेसिटी, यदि इतना ताकत है मैं कि आई कैन लिफ्ट 50 किलो वेट, मैं 50 किलो भार उठा सकता हूं, ठीक है। तो ऐसी ये बताने के लिए आपको कैपेसिटी कैपेसिटी आ जाएगी, केन का प्रयोग होके केन से कैपेसिटी हो जाएगी, ताकत कितना है। तीसरा हो सकता है फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, केन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन के लिए होता है। मेक का प्रयोग होता है इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन कौन सी होते हैं, जो ऐसी परमिशन जिसको लेने की जरूरत नहीं होती, जो परिवार में होते हैं, नजदीक के लोग होते हैं, वो आपको परमिशन होते हैं। कैन आई कम इन, तो इसका मतलब मैं आऊंगा, मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब मेरे को नाम नहीं होने वाली, और यदि मैं से परमिशन होती है तो वो फॉर्मल होती है, वो होती है जो अफसर होते हैं, कोई नए ऑफिस में जाते हो आप, या किसी दूसरे की चीज लेते हो जिसको आपको लेने का अधिकार नहीं है, वहां आप यदि परमिशन लेते हो तो वो मैं से, मैं आई कम इन सर, मैं सर अंदर आ सकता हूँ, परमिशन लेने और देने में, यस यू कैन कम इन, हाँ आप अंदर आ सकते हो, या कोई हो बाजार में कोई की दुकान से, आप दुकान में बिना पूछे नहीं पी सकते पानी, या कोई चीज काम में नहीं ले सकते, वहां कोई चीज पड़ी है आपकी साइकिल है वहां किसी दुकानदार की, आपके आप इनफॉर्मल परमिशन होगी उसमें, या फॉर्मल परमिशन होगी उसमें, ये तो इनफॉर्मल होती है, केन से तो इनफॉर्मल होती है, जो पूछने की जरूरत है नहीं, ज्यादातर अपने परिवार में या ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती होती है वहां इनफॉर्मल परमिशन होती है, फॉर्मल परमिशन होती है जहां आप उसको अच्छी तरह पूछे बिना, हो सकता है अगला ना भी कर दे, वहां आप कह रहे हो मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ,
अरे अगला कहे नहीं नहीं आप मेरी साइकिल मैं किसी को देता नहीं, ऐसे हो सकता है। मगर आपकी दोस्त है, आपकी नजदीकी है या आपके परिवार की है, तो वहां आप या ननियाल पक्ष से या बुआ जी के, तो ऐसे होता है, तो वहां अपने कोई रोकने वाला नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी सी है, अपने लेके चले जाते। तो ये इनफॉर्मल परमिशन के लिए। नंबर चार, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए। जनरल पॉसिबिलिटी, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये चीजें थी, ये आपके कई बार ऐसे होता है एबिलिटी प्लस कैपेसिटी दोनों होता है। मैंने आपको एकदम दिया था, तैरना वाला तो सीखा है, मगर ज्यादा दूर जाना हो तैर के जब उड़ना है तो एबिलिटी सीखा तो हुआ तो है, मगर कैपेसिटी नहीं, तो दोनों साथ साथ होते हैं। ये तो ये आपके कैन का प्रयोग। अरे यदि इनमें नेगेटिव हो जाए तो नोट लग जाए तो उसमें क्या हो जाता है, यदि नोट लग जाए तो इनका अभाव हो जाता है, इनका अभाव हो जाता है किसका, I cannot write Urdu, मैं उर्दू नहीं लिख सकता, इसका मतलब उर्दू मेरी सीखी हुई नहीं है। I cannot drive helicopter, मैं हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ा सकता है, चला नहीं सकता। तो ये क्या है, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी। ऐसे कैपेसिटी एब्सेंस कैसे होते हैं, कैपेसिटी एब्सेंस ऐसे हो जाते हैं, आई कैन नॉट लिफ्ट 100 किलो वेट, मैं 100 किलो वा भार नहीं उठा सकता, तो एब्सेंस ऑफ कैपेसिटी होगा। तो यदि इनके साथ में नोट लग जाए तो ऐसी पोजिशन में आपके इसकी एब्सेंस हो जाती है। और ये तो इनफॉर्मल परमिशन है, वो तो इनफॉर्मल परमिशन लेने और दोनों देने में केन का दोनों में उपयोग होता है। ठीक है, आपका जनरल पॉसिबिलिटी में ऐसा है, जो ऐसी पॉसिबिलिटी जो 100% होती है, जो चूक नहीं सकती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जीव जो जन्म लेता है वो हमेशा मरता है, तो उसके मरने की किसी पॉसिबिलिटी है 100%। ऐसे सूर्य पूर्व में उदय होगा है, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 100%। उदय होने की संभावना कितनी है, 100%। जहां 100% पॉसिबिलिटी हो उसके लिए अपने केन का प्रयोग करते हैं, 100% उसको कहते हैं जनरल पॉसिबिलिटी। तो ये आपका ये हो। इसके बाद में आपका पॉसिबिलिटी तीन प्रकार की होती है। तो एक तो हो गई आपकी पॉसिबिलिटी जनरल पॉसिबिलिटी, और एक हो गई मे से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसके होने की बहुत ज्यादा संभावना है। कोई लड़का है खूब इंटेलिजेंट है तो क्या वो पास हो सकता है, देखो। एक तो होती है जनरल पॉसिबिलिटी, जो किसी बताई जा किसी होती है केन से, एक होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वो होती है मेस, एक होती है रिमोट पॉसिबिलिटी, वो बताए जाते हैं माइस, ये माइस। तो इस जनरल पॉसिबिलिटी जिसको होने की 100% संभावना है, इसको पॉसिबिलिटी होता है बहुत ज्यादा संभावना, जैसे बिल्कुल बादल खूब घुट रखा है, बादलों से बिल्कुल आसमान बादलों से भरा हुआ है, और तो अपने कहते हैं इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना है, मगर 100% नहीं कहो। बादल कई बार ऐसा होता है पूरे दिन बादल छाए रहते हैं और बिल्कुल बूंद भी नहीं गिरती, तो
100% नहीं कह सकते, वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें मरने की पॉसिबिलिटी है। मरने का तो जीव जो जन्म लेता है वो सारे मरते हैं। फिर तीसरी है बहुत कम संभावना, जिसकी संभावना न के बराबर है, मामूली है, जैसे बादल हो ही नहीं आकाश में। और ये कहे देर इज नो क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं, इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, कितनी संभावना है न के बराबर। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, इट मे रेन टूडे, तो वर्षा हो सकती है, कितनी संभावना है बहुत ज्यादा, मतलब 100% नहीं। तो ये आपको पॉसिबिलिटी का एक आपको निषेध का प्रोहिबिशन का बताया था मैंने। प्रोहिबिशन में दो चीजों से होती है मेन रूप से, एक तो कैन नोट से और एक होती है मस्ट नोट से, कांट जिसको कांट भी कहते हैं। प्रोहिबिशन निषेध, निषेध किसे होता है, एक तो कैन नोट से, कैन नोट या कांट से, और एक दूसरा मे नोट, क्या मस्ट नोट या मशन से। कोई चीज की मनाई कर देते हैं तो ये किसे होती है निषेध, किसे होता है कैन नोट से और मस्ट नोट से। अब देखो अपने मस्ट मस्ट से क्या होता है, मस्ट से एक ऑब्लिगेशन बाध्यता, दो नेसेसिटी, अनिवार्यता, जैसे 5% करने अनिवार्य है, कंपल्सरी यह नेसेसिटी आवश्यकता, और तीसरा अनिवार्यता कंपल्सरी। अनिवार्यता तो ये मस्त से होते ही है सारे, या नंबर चार स्ट्रोंग, स्ट्रोंग एडवाइज, ये तो एडवाइज होती है खुद से होती है एडवाइज या सजेशन, और स्ट्रोंग एडवाइज जिसमें दबाव हो, सुझाव यह सुझाव के साथ साथ दबाव है, ये इंटरनल होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं इंटरनल दबाव, इंटरनल इंटरनल ऑब्लिगेशन, इंटरनल दबाव होते हैं, बाहर से नहीं होते, बाहरी रूप से नहीं, या आंतरिक दबाव होते हैं, ये दबाव है मगर आंतरिक दबाव है। एक होता है बाहरी दबाव एक्सटर्नल, वो होता है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, यह किसी होता है, यह होता है आपके हेज टू या हेव टू या हेड टू या शेल हैव टू या विल हैव टू, यह एक्सटर्नल दबाव कौन से होते हैं जिसमें अपने अंदर से दबाव नहीं है, अपने भूख लगी है तो अंदर से है, कोई अंदर से हो रहा है, चोट लगी है तो अंदर से कोई दबाव पड़ता है, मगर बाहरी दबाव जैसे आप स्कूल आना नहीं चाहते मगर मम्मी पापा भेज देते हैं, बाहरी दबाव है, या स्कूल वाले सर्दी से आपका दबाव है कि नहीं आओगे तो मैं पीटूंगा, एक्सटर्नल दबाव है। तो एक तो अंदर से होता है, एक बाहर से होता है, यह वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में यदि दबाव है
आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, इच्छा नहीं पढ़ानी तो भी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आप फीस देते हो उसमें, तो आई हैव टू लीव यू या ही हैज टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पड़ता है। अगर यदि फर्स्ट में था तो ही हैड टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पड़ता था। अगर यदि फ्यूचर में है तो आई शेल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये एक्शन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है जो बाहरी दबाव। ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।